नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं पीरियोडिक टेबल में आपको 90 एलिमेंट का बता चुका था, ठीक है। 19 एलिमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है। जो लोग मेरे पूरे सीरीज को देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल अगर आप पूरी सीरीज को देख रहे हैं, तो अब ये लास्ट एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा कि 91 से 100 तक ये लास्ट है। इसके बाद पूरा का पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। और एक काम करिए, अगर आप मेरे पूरे सीरीज को देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की सीरीज को आप में से कोई भी देख रहा है, तो आप उस चीज को पहले लिखिए एक बार। जितने भी मेरे आपने वीडियो देखा हुआ है, आप उसको पूरे के पूरे एलिमेंट को बुक में लिखिए। लिखने के बाद आप डे बाय डे सिर्फ 10, सुबह उठ के 10 करिए, नाइट में सोते समय 10 करिए, फिर सुबह उठते समय 10, फिर एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। सच बता रहा हूँ, आप जिंदगी भर पूरे पीरियड टेबल को भूलेंगे नहीं। इसी तरह से आपको सारी चीजें करनी है, करेंसी करनी है, हिस्ट्री डेट करनी है, कैपिटल्स करने हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट जिस तरह से लगती है आपको उसी तरह से इसी टेक्निक से करनी है। और आपको डेली डेली प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको फटाफट याद रहेंगी। और अगर आपने एक महीने इन सब प्रोसेस को चलाया, हर कंट्री कैपिटल सबको यही काम करते रहे कंटिन्यू, एक महीने के अंदर आपको पूरी तरह से सारा का सारा करेंसी कैपिटल ये पीरियड टेबल क्यूब सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो 91 पे है प्रोटेक्टेनियम, 92 पे है यूरेनियम, 93 पे नेपच्यूनियम, 94 पे प्लूटोनियम, 95 पे पेरिशियम, 96 पे क्यूरियम, बर्गेलियम, कैलिफोर्निया, माइसेनियम, फर्मियम, ठीक है। अब इनको किस तरह से याद करना ये मुझे भी नहीं याद है। ये अगर आप अभी मुझे कुछ बोल देगा कि आप फटाफट इस तरह से सीरीज में बोलिए, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इस वर्ड से वर्ड को बना के याद है। अगर मुझे कोई पूछेगा इस तरह से कि आप फटाफट बताइए अपने टेक्निक से, तो मैं फटाफट बता सकता हूँ, ठीक है। मैं फटाफट इस तरह से फटाफट एलिमेंट के नाम पहले इनको वर्ड में कन्वर्ट करूंगा। ये मेरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मुझे फटाफट ये याद होगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमको इस नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है। फटाक से इसको वर्ड में बना लेते हैं। तो 91 पे क्या है, 91 को क्या लिख सकते हैं, पी और बी, बी और टी 1 होता है, ठीक है। तो मैं इसको पैड लिख सकता हूँ, पैड, ठीक है। तो आइए इसको हम बना देते हैं पैड। ठीक है, इसको हम बना देते हैं पेन, 9 और N, ठीक है। इसको हम क्या बना देते हैं, 9 से B लेते हैं और इसको यहां पे बॉम्ब बना देते हैं, बॉम्ब, ठीक है। क्या बना देते हैं, बॉम्ब। नेक्स्ट 94, तो 94 पे क्या है हमारा, यहाँ पे B और 4 है, तो अब यहां पे क्या बना सकते हो आप, यहां से B उठाइए और R का 4 होता है, ठीक है। 95, अब यहां पे क्या बना सकते हैं, यहां से B उठाइए और यहां से L, ठीक है। डबल L दिया हुआ है जिसको हम एक L कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ, 96 पे क्यूरियम। अब 96 से क्या बना सकते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं और 6 से J ले लेते हैं, बाजा हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा अलग पेंसिल लिख देता हूँ मार्कर से ताकि आपको दिखे। 97 बर्केलियम है, ठीक है। 97 पे बर्केलियम है, तो इसको क्या बना सकते हो, इसको वर्ड बनाना है बी और यहां से मैं उठाऊंगा के, तो ये हो गया बाइक। नेक्स्ट 98, तो हमको 98 पे बीएफ याद है, बीएफ होता है, मैंने आपको बताया कि आप अगर एक बार इस पूरे 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को अगर आपने वर्ड में कन्वर्ट कर लिया और उसको बार बार देख देख के प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और एक बार वो चीजें याद हो गई तो मेरी गारंटी है कि आप इस एलिमेंट को भूल के दिखाइए, आप चाह के भी नहीं भूल सकते अगर आपने एक बार वर्ड को स्टोरी में कन्वर्ट करके बाहर कर लिया तो, ठीक है। अब अगला दिया हुआ 99 पे क्या है, पापा। 99 पे क्या है, पापा, और यहाँ पे होता है सेंचुरी बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से सेंचुरी। तो अब ये सेंचुरी हो गया, यहाँ पे 99 पे क्या बन गया, पापा। नेक्स्ट बीएफ, 98 पे बीएफ बाइक, बाजा, इसी तरह से बॉल, बार, बॉम्ब, पेन। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं, अब आइए इसको देख लेते हैं कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो 91 पे पैड, 92 पे पेन, 93 पे बॉम्ब, 94 पे बार, बॉल, बाजा, बाइक, ठीक है। पैड प्रोटेक्टेनियम, जब आप क्रिकेट देखते रहोगे तो क्रिकेट वाले क्या करते हैं, पैड कहां पे पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, ठीक है। पैर में पहनते हैं क्यों, पैर में बोलो क्यों पहनते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रिकेटर क्या पहनते हैं, पैड पहनते हैं, तो पैड किस लिए पहनते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेनियम, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं, इसलिए प्रोटेक्टेनियम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, पेन, पेन पे क्या है, यूरेनियम। अब इसको कैसे करेंगे, आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक पेन है, ये ऐसा एक पेन है, ऐसा इमेजिन करिए कि एक ऐसा पेन है जो यूरिन का टेस्ट कर सकता है, किसका टेस्ट कर सकता है, यूरिन का टेस्ट कर सकता है ये पेन, ये ऐसा कमाल का पेन है। तो पेन क्या कर सकता है, यूरिन, यूरेनियम,
यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 93 पे बॉम्ब है। बॉम्ब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने हाथ में बॉम्ब पकड़ा है और आपने इतनी स्पीड से फेंका कि वो बम जाके नेपच्यून ग्रह पे टकराया और पूरा का पूरा नेपच्यून ग्रह ब्लास्ट हो गया। रियलिटी में ऐसा होगा क्या कभी? नहीं। तो मैं आज तक जितनी भी बातें बोला हूँ स्टार्टिंग से लेकर मेरे पूरे मेमोरी ट्रेनिंग के सीरीज में मैंने जितनी बातें बोली एक भी बात सच नहीं है, एक भी बात। इसका रीजन ये है कि क्योंकि हमको चीजें राइट ब्रेन में भेजती है और राइट ब्रेन में तभी जाएगा जब वो कुछ कॉमेडी होगा। तो आप इसको जिंदगी भर भेजेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बम फेंक दीजिए और कोई नेपच्यून ग्रह पे जाके फूट जाएगा, नेपच्यून पूरा ग्रह ही फूट जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, इसलिए याद रहेगा। ठीक है, तो बॉम्ब आपने कहां फेंका? नेपच्यून, नेपच्यून ग्रह पे। तो नेपच्यून 94 बार, 94 का वर्ड क्या बन सकता है? बार। बार पे क्या है? प्लूटोनियम। अब आप बना सकते हैं, मुझे पता है कि आप बना चुके रहोगे। ठीक है, बार प्लूटोनियम आप इसको बनाएंगे, मुझे कमेंट करेंगे बार का इसको प्लूटोनियम से किस तरह से कनेक्ट कर सकते। मुझे पता है आधे ज्यादा लोगों को आ चुका रहेगा इसका, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं बार प्लूटोनियम। नेक्स्ट बॉल, बॉल का अमेरेशियम। अब अमेरेशियम क्या है? आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि बॉल वही व्यक्ति खेलता है जो अमीर होता है। क्या होता है? जो अमीर होता है वही बच्चा बॉल से खेल सकता है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, कोई भी बॉल से खेल सकता है। बट आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप कभी भी बॉल देखेंगे तो आपको अमीर याद आना चाहिए, क्योंकि बॉल से वही खेल सकता है जो अमीर होगा। तो बॉल से अमरीशियम। नेक्स्ट बाजा, 96 से बाजा पे क्यूरियम। बाजा पे क्यूरियम, तो आप सो रहे थे, आपके बाजू में आपका भाई आके जोर जोर से बाजा बजा रहा है। ठीक है, बाजा समझ में आता रहेगा आपको। ठीक है, वो क्या कर रहा है? बाजा बजा रहा है। तो आपने उसको बोला उठ के, क्यों रे मेरे कान के पास क्यों बजा रहा है, कान के पास क्यों बजा रहा है, क्यों रे? तो क्यूरियम। ठीक है, कितना सिंपल है। 97 बाइक, बाइक पे बर्केलियम। अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप, आपके पापा या फिर आप बैठे, आप घर पे हो, आपका भाई बाइक से जा रहा था और उसी समय आपको एक काम याद आ गया। आपने अपने भाई को बोला कि चल मेरा बाइक तो तू लेके जा रहा है, लेकिन जाते समय बैर और केले का पत्ता लेके चले आना। ठीक है, किसका पत्ता? बैर और केले का पत्ता। तो बैर केलियम, ठीक है, बर्केलियम, बैर और केले का पत्ता लेके आना। बाइक से अपने जा रहा था आपका भाई, आपके भाई को आपने बोला कि बाइक से जा तो रहा है तो मेरे लिए क्या लेके आएगा? बैर और केले के पत्ते लेते चले आना। नेक्स्ट 98 बीएफ, बीएफ आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपका बीएफ कैलिफोर्निया में रहता है, जो स्टार्टिंग से मैंने कॉमेडी, अब तो बहुत सारे लोगों को अगर मेरे जिसने सीरीज देखा होगा उसको कॉमेडी अपने आप जो चीजें बोलने वाला उसे पहले आपको समझ में आ जाता रहेगा। ठीक है, बीएफ कैलिफोर्निया, तो आपका बीएफ कहाँ रहता है? कैलिफोर्निया में रहता है। 95 पापा आइंस्टीनियम, तो आपके पापा सबसे बड़े फैन किसके हैं? आइंस्टीन, आइंस्टीनियम। ठीक है, नेक्स्ट 100 सेंचुरी, सेंचुरी पे क्या है? फर्मियम। तो सेंचुरी पे फर्मियम कैसे बना सकते हैं? विराट कोहली, सेंचुरी आता है नाम तो सीधी सी बात है सबके माइंड में क्रिकेट ही आता है। तो विराट कोहली सेंचुरी मार रहा है, क्यों? पिछले 4 मैचों में उसे सेंचुरी मारी, क्यों मार रहे हैं? जब कोई अगर क्रिकेटर जब कोई फटाफट सेंचुरी मारता है, मतलब हर एक मैच में सेंचुरी मारता है, उसको क्या बोलते हैं? किसमें है वो? फॉर्म में है। ठीक है, तो फॉर्म में है मतलब फर्मियम, फॉर्म, फर्मियम। सेंचुरी विराट कोहली मारा क्यों? क्योंकि क्या है? फॉर्म में है, तो फॉर्म से क्या बन गया? फर्मियम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए टोटल 100 एलिमेंट। अब 100 एलिमेंट इसके बाद के जो एलिमेंट है आप खुद से तैयार करिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ 1 से 118 तक आप बनाइए। अगर नहीं बन रहा है, आप नहीं बना पा रहे, तो बेझिझक मुझे कमेंट करिए। अगर मैक्सिमम कमेंट आते हैं कि बनाइए, तो मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा मैं उसमें उसको भी बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, रही बात 130 तक के एलिमेंट, वो तो भी आप खुद से बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या फिर आप मुझे देना चाहते हैं, तो आप मुझे बिंदास कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप कोशिश करिए, एक दो बार कोशिश करिए, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए कि सर इसके अवेलेबल करा दीजिए, मैं तुरंत आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम कमेंट आना चाहिए, बस इसके बाद मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो ये हो गए टोटल 100 एलिमेंट, 1 से लेकर 100 तक, मैं इसको मान के चलता हूँ कि 1 से 100 तक मैंने करा दिए हुए हैं। इसके बाद भी आप मुझे, मैंने बताया कि आप मुझे कमेंट करिए। अब इसके बाद का जो मेरा टॉपिक्स बचे हुए हैं, ये टॉपिक्स मैं कंटिन्यू कवर करा ले रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स मेरे बहुत ज्यादा पेंडिंग में रह गए थे, इसलिए मैं इसको फटाफट कवर करा ले रहा हूँ, ताकि आप लोग की जो चीजें हैं वो बीच में ना छूट जाए। पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गए, ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी मैंने कंप्लीट करा दी, ट्रिक्स भी कैपिटल करेंसी भी लगभग कंप्लीट करा दी है, कुछ बचे हुए हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, बट आप लोग कमेंट करते नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोग सेटिस्फाई हो गए उन चीजों से। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करिए बेझिझक।
और एक चीज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे दिखता है कि एक्सटर्नल सोर्सेस से बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, मुझे भी तो मोटिवेट होने के लिए कुछ चीजें लगती हैं, तो वो चीजें हैं सब्सक्राइब। अगर आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा और ज्यादा वीडियो इस पे टॉपिक से बनाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता दीजिए, सर इस टॉपिक पे मुझे मतलब ट्रिक चाहिए, इसको किस तरह से याद करना है, तो आप कमेंट करके तो देखिए, मैं नई वीडियो लाऊंगा तो आप कहना, ठीक है, आप जैसे कमेंट करेंगे जस्ट उसके अगले ही दिन मैं उस वीडियो को अवेलेबल करा दूंगा, बट कमेंट जो है ज्यादा होने चाहिए बस, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। इसके बाद का जो लेक्चर होगा मैं पेंटिंग वाले ही टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ, क्यूब जो है, ठीक है, क्यूब को मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूँ, 100 तक पूरा का पूरा हो जाएगा। इसके बाद न्यू टॉपिक में सोचूंगा कि किस टॉपिक पे बनाना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।